स्टूडेंट्स वेलकम टू आरसीआई एजु हब बानसूर ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज। देखो फिजिक्स में क्या है, हमने बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी हैं लाइक मास, लेंथ, टाइम, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, ऐसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो फिजिक्स में क्या है कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनमें डायरेक्शन का रोल होता है, मतलब जो डायरेक्शन के ऊपर वो डिपेंड करती हैं। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। एक चीज और ध्यान रखना, कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, जैसे लेंथ की अगर हम बात करें, मान लो मुझे लिखना है इस मार्कर की लेंथ, तो मैं लिखूंगा लेंथ एल इक्वल्स टू, सपोज दैट इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो 10 है, ये तो इस फिजिकल क्वांटिटी लेंथ का मैग्नीट्यूड है। और ये जो है सेंटीमीटर, ये इसका यूनिट होता है। ठीक है, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐसे लिखते हैं, उसका मैग्नीट्यूड और उसके बाद उसकी यूनिट। तो होता क्या है, फिजिक्स के अंदर बहुत सारी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। एक होती है वेक्टर क्वांटिटी, एक होती है स्केलर क्वांटिटी। तो देखो स्केलर क्वांटिटी तो वे क्वांटिटी होती हैं जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, मतलब जिसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है। लाइक अगर हम बात करें स्केलर क्वांटिटी की, तो देखो मास है, टाइम है, लेंथ है, क्लियर है? तो ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इनमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है। कैसे नहीं होता है, देखो सपोज दैट मान लो अपने को पढ़ाना है, हम पढ़ रहे हैं, मान लो अपने को 30 मिनट पढ़ना है, तो हम लिखेंगे टाइम टी इक्वल्स टू 30 मिनट। क्लियर है कि नहीं? अब इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, हम किधर बैठ के पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो टाइम में डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है। टाइम हो गया भी 30 मिनट, तो दैट्स इट। क्लियर है कि नहीं? तो इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। दूसरा देखना, वेक्टर में क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल से अगर हम समझें, तो ये मान लो ग्राउंड है अपना, उसके ऊपर कोई ब्लॉक रखा हुआ है, उस पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं। मान लो इस पे मैं इधर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो देखो ये ब्लॉक इधर चलेगा, और इसी ब्लॉक के ऊपर अगर हम इधर फोर्स अप्लाई करते तो ये ब्लॉक इधर चलने लगता, और इसी ब्लॉक पर अगर हम उतना ही फोर्स इधर अप्लाई करते तो इस केस में ये ब्लॉक चलेगा नहीं। तो देखो फोर्स के अंदर डायरेक्शन मैटर करती है। अगर डायरेक्शन इधर है तो ये ब्लॉक इधर मूव करेगा, डायरेक्शन इधर है तो अब इसकी मोशन चेंज हो जाएगी, इधर हो जाएगी। अगर डायरेक्शन हमने इधर कर दिया है तो अब इसकी मोशन होगी नहीं। अरे क्लियर है कि नहीं? तो ये है वेक्टर क्वांटिटी। तो हम बोलेंगे जो फोर्स होता है उसमें डायरेक्शन का रोल होता है, इसलिए फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है? तो ये होते हैं वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर की अगर हम बात करें, तो देखो स्केलर क्वांटिटी कौन कौन सी होती है फिजिक्स में, तो स्केलर होते हैं मास, टाइम, लेंथ, उसके बाद वर्क या एनर्जी, पावर। तो ये सब स्केलर क्वांटिटी हैं, इनमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होगा।
उसके बाद वेक्टर क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं क्वांटिटीज। इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो देखो वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सीलरेशन है, फोर्स है। तो ये सारी जो क्वांटिटीज हैं ये हैं वेक्टर क्वांटिटीज, क्योंकि इनमें डायरेक्शन का रोल होता है। तो दोबारा से देखें, स्केलर क्वांटिटी उनको हम बोलते हैं जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, उसको तो हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड ओनली, डायरेक्शन नहीं होगी इसमें। क्लियर है? वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, साथ में डायरेक्शन भी होती है, और उसके बाद ये वेक्टर एडिक्शन रूल जो होता है उसको फॉलो करती हैं। वेक्टर एडिशन को फॉलो करती हैं। रूल को ये फॉलो करती हैं। वेक्टर एडिशन रूल क्या है उसको हम पढ़ेंगे अभी चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे। तो हो क्या रहा है ध्यान से देखना, स्केलर क्वांटिटी को जब हम ऐड करते हैं तो स्केलर क्वांटिटी जैसे मास है, किसी ऑब्जेक्ट का मास है 3 kg और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास है 4 kg, तो टोटल जो मास है हम लिखेंगे 7 kg, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। जबकि वेक्टर क्वांटिटी में देखो 3 और 4 को जब हम ऐड करेंगे तो वो 7 भी आ सकता है, 3 और 4 को जब हम ऐड करेंगे तो वो 1 भी आ सकता है, 3 और 4 को जब हम ऐड करेंगे तो 3.5 भी आ सकता है। तो वेक्टर में डायरेक्शन का रोल होगा, वो डिपेंड करेगा कि उस वेक्टर की डायरेक्शन किधर है। तो इन दोनों को ऐड करने पर ये डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट आ सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे जब वेक्टर एडिशन फॉलो करेंगे। क्लियर है? तो ये कुछ एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था वेक्टर और स्केलर के बारे में। क्लियर है? तो ये थी अपनी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। आजकल एक नई टाइप की क्वांटिटी और होती है जिसको हम बोलते हैं टेंसर क्वांटिटीज। देखो टेंसर क्वांटिटी क्या होती हैं, जो ना तो वेक्टर हैं और ना ही स्केलर है उनको हम बोलते हैं टेंसर क्वांटिटीज। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ये होता है जैसे इलेक्ट्रिक करंट है, उसके बाद प्रेशर है। तो ये सब एग्जाम्पल हैं टेंसर क्वांटिटीज के। तो इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड भी होता है, साथ में डायरेक्शन भी होती है, लेकिन ये वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करती है। वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करती है ये। इसलिए देखो अगर ये वेक्टर होती तो इन तीनों को फॉलो करना चाहिए था, स्केलर होती तो इसमें डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन ये वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करती है, इसलिए इस क्वांटिटी को हम टेंसर क्वांटिटी की कैटेगरी में रखते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, अगर एग्जाम में अपने से पूछता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कैसी क्वांटिटी है, अगर ऑप्शन में स्केलर वेक्टर और टेंसर दे रखे हैं तो अपने को टेंसर क्वांटिटी को टिक करना है। अदरवाइज अगर मान लो ऑप्शन में ही पूछा गया है कि स्केलर है कि वेक्टर है, तो उस केस में अपने को इसको स्केलर बोलना है। क्लियर है? थैंक यू।